हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है रिवाइज्ड सिंप्लेक्स मेथड। हम लोग ऑलरेडी सिंप्लेक्स मेथड को पढ़ चुके हैं, बट जो स्टेप्स हम लोगों ने वहां फॉलो किए थे ये उससे डिफरेंट है। हम लोग रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड के स्टेप्स को देख लेंगे और स्टेप्स के साथ ही इस एलपीपी को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, इस एलपीपी को सॉल्व करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, सो फर्स्ट स्टेप में क्या है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड का? फर्स्ट स्टेप है कन्वर्ट दी एलपीपी इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, मतलब हमें इस एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे सिंप्लेक्स मेथड में करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है, मैक्स जेड है, तो हम लोग को इसको मिनिमाइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना है। लेकिन अगर मिनिमाइजेशन के फॉर्म में रहता तो माइनस से मल्टीप्लाई करके हम लोग को मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में करना है। तो ये मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है तो इसको हम लोग एज इट इज मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में ही लिख देंगे। मैक्स जेड इक्वल टू 6x1 - 2x2 और प्लस 3x3। और ये जो हमारे पास कंस्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू, फर्स्ट कंस्टेंट है हमारा 2x1 - x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग पहले इनइक्वालिटी का सिंबल को यहाँ पे देखना है। इनइक्वालिटी का सिंबल में यहाँ पे लेस देन और यहाँ पे भी लेस देन। लेस देन का मतलब है यहाँ पे स्लैक वेरिएबल एड होगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड जो है स्मॉल है तभी यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब इसमें हम लोग कुछ ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर ग्रेटर देन का सिंबल रहता तो ग्रेटर देन में हम लोग क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल को माइनस करते हैं और आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। वो वाला केस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का सिंबल है इसका मतलब हम लोग इस वाले में एस वन को ऐड करेंगे। एस वन हमारा क्या है, स्लैक वेरिएबल, बाई एडिंग स्लैक वेरिएबल एस वन। और नीचे वाले के लिए एक्स टू, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x1 - x2 प्लस 2x3। यहाँ पे s1 को ऐड करेंगे और इक्वल टू का सिंबल के साथ लिख देंगे 2। सिमिलरली नीचे वाला भी कंस्ट्रेंट को लिखेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस s2 और इक्वल टू करके लिख देंगे 4। और यहाँ पे क्या है, ये s1 है, ये s2 आ गया। इसके साथ ही क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 s2 को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे इसके कॉस्ट के साथ 0s1 प्लस 0s2 लिख देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये वाला 0 0 है, यहाँ पे ये 1 है 1 है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिक वेरिएबल है s1 s2 x3 और s1 और s2। हमारे पास इतने सारे वेरिएबल है, इसको लिख देंगे ग्रेटर देन योर इक्वल टू 0। हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल में क्या है, x1 x2 और x3, ये हमारा नॉन बेसिक वेरिएबल है और बेसिक वेरिएबल है हमारे पास s1 s2। ठीक है, इसके बाद स्टेप 2 देखेंगे। स्टेप 2 में बोला गया है फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन विद इनिशियल बेसिस b इक्वल टू im। im मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में था, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऐसे ही रहने दिए क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल है तो स्लैक वेरिएबल को ऐड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे। बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, अगर x1 x2 और x3 ये 0 हो गया तो हमारे पास s1 की वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 0 होगा तो s1 की वैल्यू होगा 2। और इसी तरीके से s2 का वैल्यू यहां पर से क्या आएगा, सेकंड इक्वेशन से s2 की वैल्यू आ जाएगी 4। ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होगा। ओके, एंड ये b इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है ये अभी हम लोग थोड़ा छोड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद ये वाला चीज को हम लोग फिर से समझेंगे। ओके, स्टेप 3 में क्या है, कंसीडर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू cx सब्जेक्ट टू ax इक्वल टू b। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा ये वाला z, मैक्स z इक्वल टू दिस वन, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे z इक्वल टू cx। तो c क्या हो जाएगा हमारे पास, जो x के साथ जो यहाँ पे कॉस्ट है वो है c और यहाँ पे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है हमारे पास ax इक्वल टू b, हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये सब्जेक्ट टू ये वाला हमारे पास कंस्टेंट है, a हो जाएगा हमारे पास x1 की जो कॉस्ट है ये सबकी कॉस्ट, और एक्स यहाँ पे ये है, और बी की वैल्यू क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है। इस तरीके से हम लोग कंसिडर करना है और हम लोग को किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, हम लोगों को निकालना है कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, ए कैप एंड बी कैप। और ये ए कैप और बी कैप क्या है, ए हमारा यहां से आ जाएगा ए, बी का वैल्यू यहां से आएगा, सी की वैल्यू आएगी हमारे पास यहां से, लेकिन ए कैप और बी कैप की वैल्यू यहां पर जो हम लोग का फॉर्मूला दिया हुआ है वहां से निकालेंगे। तो स्टेप 3 को हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। ऑलराइट, ए की वैल्यू को यहां से निकालेंगे। तो हमारे पास वेरिएबल्स में क्या है, ये सारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 x3
एस वन और एस टू, ये हम लोग वेरिएबल को नहीं भी लिखेंगे तो भी हम लोग चलेगा, सिर्फ हम लोग को वैल्यूज को लिखने हैं ए में। ए में हमारे पास ये जो सब्जेक्ट टू जो वैल्यूज है उनको लिखना है। ओके देखिए मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, मैंने मैक्स इज इक्वल टू सी एक्स, अभी सबको देखने की जरूरत नहीं, जो हम लोग मैंने लिख दिया सारा, सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं। मैक्स इज इक्वल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी, तो सब्जेक्ट टू जो हमारा जो कंस्ट्रेंट होगा उसमें जो एक्स की जो एक्स के साथ जो कॉस्ट है वो है ए। ओके सो यहाँ पे भी देखेंगे जो हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू जो कंस्ट्रेंट है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इसके साथ जो एक्स का जो कॉस्ट है वो हमारा ए होगा। ओके तो ऊपर वाले को ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमारा जो कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू के बाद वाला जो हमारा इक्वेशन है उसको लिखेंगे। एक्स वन के लिए है टू, एक्स टू के लिए माइनस वन, एक्स थ्री है टू, एस वन है वन और एस टू है जीरो, और इस नीचे वाले के लिए एक्स वन वन है, एक्स टू जीरो, ये फोर है, ये जीरो है, ये वन है, हो गया। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सी की वैल्यू, कैपिटल सी इक्वल टू, सी क्या है हमारे पास, मैक्स जेड इक्वल टू सी एक्स, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे पास एक्स का जो कॉस्ट है वो है सी। यहाँ पे भी वही देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो हमारे पास एक्स के जो वेरिएबल्स के जो कॉस्ट है वो है सी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखेंगे, यहाँ पे एक्स वन के लिए है सिक्स, एक्स टू के लिए है माइनस टू, एक्स थ्री के लिए है थ्री, और एस वन और एस टू क्या है, जीरो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो जीरो। कैपिटल ए निकल गया, कैपिटल सी निकल गया, अब स्मॉल बी, स्मॉल बी यहाँ पे निकाल देते हैं। स्मॉल बी क्या है हमारा, स्मॉल बी हमारे पास जो कंस्ट्रेंट के जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है वो होगा, तो यहाँ पे भी जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है टू और फोर, ये होगा हमारा स्मॉल बी, हो गया। इसके बाद हमें क्या बोला था, स्टेप थ्री था, स्टेप थ्री में क्या बोला था, कैपिटल ए कैप और बी कैप की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है ए कैप इक्वल टू कैपिटल ए, सॉरी ए कैप इक्वल टू ए और नीचे माइनस सी, तो यहाँ पे निकालेंगे ए कैप इक्वल्स टू क्या होगा, ए और नीचे माइनस सी। ओके तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू लिख देंगे, ए की वैल्यू जो यहाँ पे है ये वाला पूरा, यहाँ पे पहले लिखेंगे सब ऊपर में ए है तो पूरा ए की वैल्यू को यहाँ पे पहले कॉपी करते हैं। ए के वैल्यू को लिख देने के बाद यहाँ पे नीचे क्या है, माइनस सी, सी का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और ये सेम को माइनस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा माइनस सिक्स, यहाँ माइनस टू है तो हो जाएगा प्लस टू, यहाँ पे माइनस थ्री होगा और ये जीरो जीरो हो गया। तो ये फॉर्मूला से हमारा ए कैप निकल गया। इसके बाद बोला है बी कैप निकालने के लिए, तो बी कैप क्या है, बी कैप का फॉर्मूला दिया हुआ है हमारा बी और जीरो, ओके बी और नीचे जीरो, तो बी क्या है हमारा, बी हमने यहाँ पे निकाला है टू फोर है, तो बी का वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे टू फोर और सबसे नीचे क्या है जीरो हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो टू फोर जीरो हो जाएगा बी की वैल्यू। ओके स्टेप थ्री हो गया, हम लोग ए निकाल लिए, बी निकाल लिए, सी निकाल लिए, ए कैप निकाल लिए और बी कैप भी निकाल लिए। स्टेप फोर देखते हैं, स्टेप फोर में बोला है बी कैप इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ओके अच्छा ये मैंने एक साथ ही नहीं लिखा, यहाँ पे स्टेप थ्री में चाहे यहाँ से कॉमा दे के लिख सकते थे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे कॉमा दे के बी कैप इनवर्स, इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमारा जो इटरेशन होगा उसमें ये सब की जो एक बार जो हम लोगों ने अभी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, लेकिन हमारा हर एक इटरेशन में हम लोग बी कैप इनवर्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं, तो ये एक बार निकाल लिया तो ये हमारा पूरा लास्ट तक जो है ए कैप और बी कैप की वैल्यू सेम रहेगा लेकिन बी कैप इनवर्स चेंज होगा। ओके इसीलिए मैंने अलग से लिखा है, तो बी कैप इनवर्स की वैल्यू निकालने बोला है। देखिए यहां तक हो गया, बी का मतलब होता है बेसिस, बेसिस मतलब क्या, जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था, क्या था, एस वन और एस टू, तो इसका मतलब बी क्या है, बी मतलब बेसिस, बेसिस मतलब क्या, बेसिक वेरिएबल क्या है हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में, क्या था, एस वन और एस टू, जो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया था वही होता है। तो क्या है हमारे पास बेसिस में, एस वन और एस टू, S1 और S2 की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, S1 और S2 के लिए वैल्यू यहां पर से देखेंगे, S1 और S2 का वैल्यू क्या है, 1001, ओके 1001। अच्छा ये A कैप से नहीं लिखना है यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू, ये हम लोग को लिखना है A से। ओके मतलब जो हमारे पास जो इक्वेशन था वहां से लिखना है, A कैप में जो हमारा नीचे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला आया था वहां से नहीं लिखेंगे, तो S1 और S2 हो गया यहां पर। अच्छा ये क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1001, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, तो बी कैप है आइडेंटिटी बी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका इन्वर्स भी करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा बी इन्वर्स निकल गया। इसके बाद है सी बी,
सीबी बी इनवर्स निकालना। सीबी क्या है, सीबी मतलब कॉस्ट ऑफ एस वन कॉस्ट ऑफ एस टू, बी है हमारा एस वन एस टू, सीबी मतलब कॉस्ट ऑफ एस वन कॉस्ट ऑफ एस टू। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखेंगे, अब यहां पे देखेंगे कॉस्ट क्या है, जीरो जीरो, एस वन का कॉस्ट जीरो एस टू का कॉस्ट जीरो, तो जीरो जीरो ये चीज जो हम लोगों ने यहां पे लिखा था, ओके जीरो जीरो कॉस्ट है। तो अब अगर हम लोग सीबी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जीरो जीरो को, बी इनवर्स क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो, इससे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो आएगा। एक और चीज याद रखना है कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाता है, ठीक है। तो सीबी बी इनवर्स भी निकल गया और यहाँ पे बनता है। अब हम लोग फाइनली बी कैप इनवर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बी इनवर्स जीरो सीबी बी माइनस वन और वन, ओके। तो यहां पे क्या आएगा, बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की, वन जीरो जीरो वन, और सीबी बी इनवर्स क्या है जीरो जीरो, तो इसके नीचे था तो इसके नीचे लिखेंगे जीरो जीरो। अब यहां पे है जीरो कॉर्नर में इधर, और इसके यहां पे कॉर्नर में वन है। अब यहां पे क्या फिलअप करना है, यहां पे जीरो फिलअप करना है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है वन इसको कॉर्नर में फिलअप करेंगे और ये जो जीरो है इसका मतलब जितना भी, अगर मान लीजिए यहां पे फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स बनती तो जीरो 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 और नीचे कॉर्नर में वन लगाते, तो ये इस तरीके से बनता। फर्स्ट वाला जो केस बनता है उसमें क्या होता है, हम लोग का स्लैक वेरिएबल का केस में, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म वन भी बोलते हैं, उसमें जो बी कैप इनवर्स की वैल्यू आता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो किस तरीके से लिखते हैं निकालते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि इस तरीके से निकालते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप लोग ना डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बी कैप इनवर्स की वैल्यू को, इतना सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ओके। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हमारा बी कैप का वैल्यू, बी कैप इनवर्स का वैल्यू कैसे निकला। नेक्स्ट है हमारा स्टेप फाइव। स्टेप फाइव में बोला है कंप्यूट दी नेट इवोल्यूशन जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू दिस वन, ओके। जेड जे माइनस सी जे को निकालेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ये मैंने एक रफ में लिखा है कि जो मैंने जो स्टेप्स लिखे हैं वो स्टेप्स जो है यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि इस तरीके से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहां तक हो गया, जेड जे माइनस सी जे निकालने बोला है तो हम लोग लिखेंगे, सो कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जेड जे माइनस सी जे इक्वल्स टू सी बी बी इनवर्स वन, और यहाँ पे ए कैप इनवर्स होगा, सॉरी ए कैप होगा, ओके ये ए कैप होगा, सी बी बी इनवर्स वन। अब देखिए हर बार हम लोग को क्या होगा, बी कैप इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे जो है हर बार हम लोग अपडेट करते हैं। तो सी बी बी इनवर्स और ये वन क्या होता है, लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स। देखिए बी कैप इनवर्स का ये फॉर्मूला है और इसका लास्ट रो को अगर देखेंगे तो क्या है, सी बी बी इनवर्स वन। तो ये जो लास्ट रो आता है बी कैप इनवर्स का यही है सी बी बी इनवर्स वन। तो क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां से देख करके जो लास्ट वाला रो है सी बी बी इनवर्स वन, लास्ट वाला रो यहां पर लिख देंगे, यही होगा हमारा सी बी बी इनवर्स वन, ओके ये हो गया। और ए कैप, ए कैप क्या है हमारे पास, ये वाला जो हम लोगों ने निकाला हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे लिखेंगे पहले ये वाला मैट्रिक्स को, इससे मल्टीप्लाई करना है, ए कैप की वैल्यू मैंने यहां पे लिख दी। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ओके। रिवाइज सिंपलेक्स मेथड को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग एक बार जाके मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ओके। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, यहाँ पे वैसे सेकेंड रो है नहीं, अगर रहता तो बता रहे हैं, अगर रहता तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो इंटू टू जीरो इंटू वन, और ये वन इंटू माइनस सिक्स क्या आएगा, माइनस सिक्स, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों जीरो जीरो है तो सिर्फ यहाँ वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू माइनस सिक्स माइनस सिक्स, वन इंटू टू टू, यहाँ पे वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू ये जीरो और ये जीरो, सो ये आएगा हमारे पास जेड जे माइनस सी जे की वैल्यू। इसके बाद फिर से हम लोग अपना ये केस देखते हैं। यहाँ पे दो केस हैं। फर्स्ट केस में बोला है अगर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है देन करेंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑल जेड जे माइनस सी जे हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं है, यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी आ रही है, तो हमारा केस वन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो अब हम लोग देखते हैं केस टू। केस टू में क्या है, सॉरी यहाँ पे केस टू क्या है, इफ एटलीस्ट वन जेड जे माइनस सी जे लेस देन जीरो, हाँ ये वाला केस है, तो क्या करेंगे, फाइंड द मोस्ट नेगेटिव ऑफ देम,
से जेड के माइनस सी के कॉरिस्पॉन्डिंग टू डी वेरिएबल एक्स के इंटर दी बेसिस। ओके, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको निकाल लेने के बाद हम लोग को फाइंड आउट करना है मोस्ट निगेटिव कौन सा है। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है मोस्ट निगेटिव है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स किस वेरिएबल के लिए था। सी यहाँ पे ए कैप जो हम लोगों ने निकाला था, तो ये वाला क्या था हमारा, ये वाला था हमारा एक्स वन के लिए, ये एक्स टू के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है मोस्ट निगेटिव आया, तो ये किसके लिए आया है, ये आया है जेड वन माइनस सी वन के लिए। फर्स्ट वाला वैल्यू मोस्ट निगेटिव है, तो जेड वन माइनस सी वन इक्वल टू माइनस सिक्स मोस्ट निगेटिव। सो एक्स वन इंटर्स ओके, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, यही चीज लिखा हुआ है कि जो भी वैल्यू आएगा उसका जेड के माइनस सी के जो होगा वो मोस्ट निगेटिव होगा, और उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स के होगा वो इंटर करेगा। तो यहाँ पे जेड वन माइनस सी वन है माइनस सिक्स, तो इसके साथ जो एक्स वन होगा वो बेसिस में इंटर करेगा। ओके, अभी बेसिस में क्या था, अभी बेसिस में हमारे पास था, यहाँ पे हमारा बेसिस में क्या था, एस वन और एस टू। एस वन जो है बेसिस में इंटर करेगा, लेकिन किसके जगह इंटर करेगा ये नहीं पता है। मतलब हम लोग एस वन में और एस टू में से किसके जगह एक्स वन को इंटर करेंगे वो नहीं पता है, तो वो निकालना है। ओके, यहाँ तक का हो गया ये वाला। इसके बाद का स्टेप देखते हैं, स्टेप में यहाँ पे है स्टेप सिक्स में क्या है, कंप्यूट एक्स के, एक्स कैप के इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है इसके हेल्प से एक्स कैप के निकालना है। एक्स कैप के की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, तो एक्स कैप के निकालना है। एक्स कैप के का मतलब क्या हुआ, एक्स कैप के मतलब हमारा एक्स वन का कैप, क्योंकि हमारा एक्स वन जो है, एक्स वन जो है वो इंटर कर रहा था, तो एक्स के क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वन हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला है यहाँ पे वो लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला है बी कैप इनवर्स देन ए वन कैप। ए वन कैप क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए के कैप था, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, वन है, तो ए वन कैप। बी इनवर्स का यहाँ पर बी कैप इनवर्स की जो हमारा वैल्यू है वो लिखेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, और यहाँ पे है ए वन कैप। ए वन कैप क्या है, यहाँ पे ए कैप की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है, तो जैसे ये एक्स वन वेरिएबल के लिए, एक्स टू वेरिएबल के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये ए वन कैप है, ये ए टू कैप है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग दिमाग में रखिए, ये ए वन का वैल्यू है, ये ए टू का, ये ए थ्री का। तो ए वन है यहाँ पे, तो ए वन के लिए क्या होगा, टू वन माइनस सिक्स। सो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू वन माइनस सिक्स से, तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाता है। टू वन माइनस सिक्स हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा ये हम लोगों ने निकाल लिया एक्स के कैप, यानी कि एक्स वन कैप निकाला। इसके बाद केस वन में क्या है, इफ ऑल एक्स के लेस देन और इक्वल टू जीरो देन देयर एग्जिस्ट एन अनबाउंडेड सोल्यूशन टू एलपीपी। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑल एक्स के हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो है, नहीं ऑल तो नहीं है, एक हमारा लेस देन इक्वल लेस देन है, लेकिन सब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अनबाउंडेड सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर सारा ही हमारा लेस देन इक्वल टू जीरो हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक अनबाउंडेड सोल्यूशन होगा। तो केस टू हमारा देखते हैं, केस टू में एटलीस्ट वन एक्स के ग्रेटर देन जीरो, ये वाला केस हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कैप बी, यहाँ पे क्या है, एक्स कैप एक्स वन कैप का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है, एटलीस्ट वन भी अगर रहेगा ग्रेटर देन जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स कैप बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक्स कैप बी, और एक्स कैप बी का जो यहाँ पे फॉर्मूला है ये दिया हुआ है, तो एक्स कैप बी का फॉर्मूला है बी कैप इनवर्स इंटू बी कैप। बी कैप इनवर्स का वैल्यू है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी कैप, बी कैप क्या है, बी कैप क्या है, टू फोर जीरो। ओके, टू फोर जीरो, सो टू फोर जीरो का मतलब क्या हुआ, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू फोर जीरो ही आ जाएगा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। ओके, इसके बाद का स्टेप देखते हैं, ये वाला है यहां तक कंप्लीट हुआ। स्टेप सेवन में क्या है, राइट डाउन द रिजल्ट इन द रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल, इसको रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल में लिखना है, एंड फाइंड द मिनिमम ऑफ, इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन करेंगे और मिनिमम वैल्यू और की एलिमेंट निकालेंगे। ओके, तो इसका मतलब हम लोग को टेबल बनाना है, तो टेबल कुछ इस तरीके से बना लेंगे। बेसिस हमारा क्या है, बेसिस में हमारे पास था एस वन और एस टू। एक्स बी का वैल्यू जो हम लोगों ने यहां से निकाला है वो लिख देंगे, एक्स बी है टू फोर, और यहाँ पे नीचे में लिख देंगे जीरो। बी कैप इनवर्स की वैल्यू हमारे पास है जीरो जीरो सॉरी वन जीरो जीरो देन जीरो वन जीरो
जीरो जीरो वन, ये हमारा बी कैप इनवर्स की वैल्यू थी। एक्स वन कैप का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ये वाला 2 1 -6। एक्स वन कैप क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एक्स वन है वो इंटर किया था यहाँ पर, यहाँ में हमने लिखा था एक्स वन इंटर्स दी बेसिस, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स वन के लिए कॉलम बनाया है। ओके, बाकी ये कॉलम वैसे ही लिखेंगे, जो भी हमारा इंटर करता है वो हम लोग यहाँ पे एक अलग से कॉलम में इसका लिख देते हैं। फाइन, इसके बाद हम लोगों को स्टेप में था मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करने का। मिनिमम रेशियो के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन कैप करेंगे। एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स वन कैप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक्स बी बाई एक्स वन, और यहाँ पे एक्स वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ओके, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, अगर जीरो है तो फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो टू बाई टू, टू डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे वन आएगा, फोर डिवाइडेड बाई वन, फोर बाई वन फोर आएगा, और इसके लिए ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है हमारा वन। ओके, मिनिमम रेशियो फाइंड आउट हो गया, दोनों को डिवाइड करके मिनिमम निकाल लिए। तो इस मिनिमम रेशियो के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा रो है यानी कि एस वन का रो, ये एस वन क्या होगा, हमारा बेसिस से बाहर जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एस वन लीव्स दी बेसिस, ये लिखने के बाद हमें पता चल गया एस वन बेसिस से बाहर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले अब क्या फाइंड आउट करेंगे, की एलिमेंट। की एलिमेंट मतलब क्या होता है, जो की कॉलम होता है और जो की रो के साथ जो हमारा जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं की एलिमेंट। की रो क्या है, ये वाला रो, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, एस वन का रो ये बाहर, ये है हमारा की रो। और की कॉलम क्या है, एक्स वन, क्योंकि एक्स वन एंटर किया था हमारे बेसिस में, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम के साथ जो कॉमन एलिमेंट है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, टू। टू क्या है हमारा की एलिमेंट, सो टू इज द की एलिमेंट। ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को स्टेप्स में याद रहे तो इसीलिए मैंने लिख दिया। इसके बाद का स्टेप देखते हैं, स्टेप एट में क्या है, कन्वर्ट दी की एलिमेंट यूनिटी। की एलिमेंट को हम लोग यूनिटी करना है, एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द की कॉलम टू जीरो एंड इम्प्रूव द वैल्यू ऑफ वी कैप इनवर्स। क्या बोला है हम लोगों को, की एलिमेंट जो है इसको हम लोगों को यूनिटी यानी कि वन करना है, और जो की कॉलम में जो बाकी एलिमेंट्स है उसको जीरो करना है। मतलब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें करना है जीरो, सॉरी वन, इसको यूनिटी करना है, और बाकी जो ये वाला वन है इसको जीरो करना है, और इस वाले को भी जीरो करना है, और हम लोगों को बी कैप इनवर्स का जो वैल्यू है उसको अपडेट करना होगा। तो कैसे करेंगे, बी कैप इनवर्स लिख देते हैं यहाँ पे, और इसके मैट्रिक्स को बना लेते हैं। सपोज यहाँ पे मान लेती हूँ मैं ये वाला जो है ये आर वन है, ये वाला रो आर वन है, ये रो आर टू है, और ये वाला जो नीचे वाला रो है ये आर थ्री का रो है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रो को, आर वन को हम लोग को क्या करना है, आर वन को हमें यहाँ पे वन करना है, तो टू से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये वाला आर वन डैश, आर टू डैश और आर थ्री डैश। ओके, मतलब जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसको आर वन डैश कर दी, और जो ऑलरेडी पहले से जो प्रीवियस है वो हम लोग आर वन आर टू आर थ्री माना। आर वन को अपडेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी आर वन डैश के लिए, आर वन डैश में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, आर वन डिवाइडेड बाई टू, आर वन को टू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे टू बाई टू वन आ जाएगा। तो सब पूरे को टू से डिवाइड करेंगे, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ बी कैप इनवर्स की वैल्यू को लिख रहे हैं, तो सिर्फ ये वाला वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, तो इसको टू से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे आएगा वन बाई टू, ये यहाँ पे तो जीरो जीरो है, सो जीरो जीरो। आर टू डैश के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर टू डैश के लिए हम लोग यहाँ पे क्योंकि वन है और यहाँ पे भी वन है, तो दोनों को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग आर टू माइनस आर वन डैश। ओके, इसको अच्छा आर टू डैश और आर थ्री डैश, मतलब इन दोनों को जो अगर फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लोगों को ऑलवेज जो है वो की वाला जो रो था उसी जो न्यू की वाला रो था उसकी हेल्प से करना है, मतलब आर वन डैश से। और आर थ्री डैश को भी अगर जब हम लोग अपडेट करेंगे तो हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, आर वन डैश की हेल्प से। ओके, यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है। तो सबसे पहले आर टू डैश के लिए कर लेते हैं, माइनस करेंगे जीरो माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई टू, फिर यहाँ पे है आर टू में है वन, वन माइनस जीरो वन, फिर उसके बाद जीरो माइनस जीरो जीरो। ओके, इसके बाद है हमारे पास आर थ्री डैश, आर थ्री डैश के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस सिक्स है और यहाँ पे वन है,
तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं आर थ्री में ऐड कर देंगे सिक्स आर वन डैश को, इसको पूरे को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे तो ये वन है तो इस पूरे को सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आर थ्री में, सबसे पहले क्या है जीरो, जीरो प्लस सिक्स बाई टू यानी कि थ्री आ जाएगा, जीरो प्लस थ्री यहाँ पे आएगा थ्री, इसी तरीके से जीरो प्लस सिक्स इंटू जीरो तो यहाँ पे तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पे वन, वन प्लस सिक्स इंटू आर वन, सिक्स इंटू जीरो तो वन प्लस जीरो यहाँ पे वन आएगा, तो थ्री जीरो वन, ये आ गया हमारे पास बी कैप की वैल्यू। ठीक है, हम लोगों ने बी कैप की वैल्यू को अपडेट कर दिया। इसके बाद स्टेप नाइन में क्या है, गो टू द स्टेप फाइव एंड रिपीट द प्रोसीजर अंटिल द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड और इफ देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ एन अनबॉर्डर्ड सॉल्यूशन। ओके, ये निकाल लिए, इसके बाद हम लोगों को बोले स्टेप फाइव में जाने के लिए, तब तक रिपीट करो प्रोसीजर को जब तक हम लोगों को कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना मिल जाए या फिर हम लोगों को कोई इंडिकेशन ना मिल जाए अनबाउंडेड सॉल्यूशन का। स्टेप फाइव में ये है ZZ माइनस CJ को फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे बी कैप इनवर्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ZZ माइनस CJ को जिस तरीके से पिछली बार फाइंड आउट किए थे यहाँ पे भी उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं ZZ माइनस CJ, इसका फॉर्मूला क्या है ये वाला, देखिए गाइस ये वाला जो स्टेप मैंने लिखा है ना इसको आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि इसी को हम लोग यहां तक पहले सबसे पहले लेकर के आते हैं, पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद यहां तक लेके आएंगे और ये वाला जो स्टेप्स है यहां से हम लोगों का जो है रिपीट होता है। ओके, तो जेड से माइनस सीजे से रिपीट होगा और यही वाला स्टेप जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जेड से माइनस सीजे निकाल लेंगे, सी बी माइनस सॉरी सी बी बी माइनस वन, वन इंटू ए कैप। ओके, अब सी बी बी माइनस वन क्या था, सी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी बी बी इनवर्स और वन क्या है लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स। ओके, सो लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स क्या है हमारा, बी कैप इनवर्स क्योंकि हम लोगों ने अपडेट किया है तो यहाँ पे हम लोग करंट भी लिख सकते हैं करंट। ओके, करंट वाला यूज करेंगे, प्रीवियस वाला यूज नहीं करेंगे, तो इसका लास्ट रो क्या है थ्री जीरो वन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री जीरो वन। और ए कैप, ए कैप की वैल्यू हम लोगों ने बताया था कि ए कैप की वैल्यू जो एक बार निकाल ली वही रहता है, तो ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए कैप में क्या है टू वन माइनस सिक्स। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो होगा हमारा जेड जे माइनस सी जे का, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहाँ पे ये थ्री इंटू टू प्लस जीरो इंटू वन प्लस जीरो इंटू माइनस सिक्स, सो यहाँ पे आएगा वैल्यू हमारे पास जीरो, सिक्स माइनस सिक्स जीरो, फिर यहाँ पे आएगा माइनस वन ये थ्री थ्री जीरो। ओके, आप लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब फिर से यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जेड जे माइनस सी जे यानी कि जो मोस्ट निगेटिव, वही सारे स्टेप्स जो हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखिए जब जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था जेड जे माइनस सी जे निकाला था, उसके बाद फिर हम लोग जो जो सब स्टेप्स किए थे यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का स्टेप्स जो किए थे उन्हीं सबको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद मैंने हम लोगों ने जो पिछली बार में किया था मोस्ट नेगेटिव लिखा था, तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव क्या है ये वाला वैल्यू यानी कि जेड टू वाला वैल्यू, सो जेड टू माइनस सी टू इक्वल्स टू माइनस वन मोस्ट नेगेटिव विच इज मोस्ट नेगेटिव। ओके, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स इसलिए एक्स टू जो होगा इस बार एक्स वन के लिए था, एक्स टू के लिए था, एक्स टू क्या होगा वो हमारा इंटर करेगा यानी कि ये x2 क्या होगा इनकमिंग वेक्टर। ओके, जब ये पता चल गया तो इसके बाद क्या निकालना है x2 कैप, x2 कैप या जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था क्या है फॉर्मूला, b कैप इनवर्स इंटू ए टू कैप, यहाँ पे a1 के लिए x1 के लिए a1 था, x2 के लिए a2। ओके, b1 कैप क्या है सॉरी b कैप इनवर्स क्या है ये वाला, b कैप इनवर्स ये वाला वैल्यू लिखेंगे, b कैप इनवर्स वन बाई टू जीरो जीरो माइनस वन बाई टू वन जीरो और थ्री जीरो वन। ठीक है, और ए टू कैप, ए टू कैप क्या है हमारे पास ए कैप इनवर्स, ये ए वन कैप था जैसे बोला था मैंने, ए वन कैप है ये ए टू कैप है ये थ्री कैप है, तो ए टू कैप क्या है माइनस वन जीरो टू, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस वन जीरो टू, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा यहाँ पे आएगा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन सॉरी वन बाई टू इंटू माइनस वन
माइनस वन बाई टू आएगा और ये जीरो जीरो है। इसी तरीके से यहाँ पे बाकी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन बाई टू और यहाँ पे माइनस वन हो गया। ये आ गया हमारे पास एक्स कैप बी की वैल्यू। एक्स कैप बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ तक स्टेप किया, इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, एक्स कैप टू की वैल्यू को निकाला, इसके बाद एक्स कैप बी की वैल्यू को निकालना है। एक्स कैप बी की वैल्यू सेम हम लोग जो पहले स्टेप्स को किए थे उसी को रिपीट करना है और सारे जो वैल्यूज हैं उनको अपडेट करना है। ओके, ये फॉर्मूला है। बी कैप इनवर्स का वैल्यू क्या है, वही ऊपर वाला पहले भी हम लोग यूज़ किए, जीरो जीरो माइनस वन बाई टू वन जीरो और थ्री जीरो वन। और ये बी कैप की वैल्यू क्या है, बी कैप का वैल्यू जो एक बार है वही वाला रहता है टू फोर जीरो, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने 240 यूज़ किया था, इधर भी 240 यूज़ करेंगे, 240। ओके, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास ये वन, यहाँ पे आएगा थ्री और ये सिक्स। ओके, इसके बाद क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे एक्स कैप बी निकालने के बाद हम लोगों ने टेबल बनाया था, तो यहाँ पे भी एक्स कैप बी निकालने के बाद टेबल बनाएंगे। टेबल भी उसी तरीके से बनाएंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे टेबल बनाया था। बी में क्या लिखेंगे हम लोग, बेसिस को। बेसिस में पहले हमारे पास क्या था, एस वन और एस टू। ओके, तो एस वन क्या हुआ था, यहाँ से हम लोग का बाहर चला गया था जिसके बदले में आया था एक्स वन, ये बाहर गया था और एक्स वन अंदर आया था। तो यहाँ पे बेसिस में क्या होगा, एक्स वन आएगा और ये एस टू को यहाँ पे लिखेंगे। अभी क्या हुआ है, अभी एक्स टू एंटर किया है, तो एक्स टू जब एंटर कर रहा है तो हम लोग उसका यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सी मेरा प्रीवियस पेज का है, यहाँ पे क्या हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने देख लिया था कि एक्स वन एंटर कर रहा है, ये फर्स्ट पेज था जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक्स वन एंटर कर रहा था और हम लोगों ने एक्स वन को एंटर यहाँ पे इसका कॉलम से करा है। उसके बाद हमें पता चला कि एस वन जो है वो लीव करेगा, तो इस टेबल में क्या करेंगे हम लोग, अपडेट कर देंगे, एस वन को हटा के एक्स वन कर देंगे। अभी हम लोग को पता चला है कि एक्स टू जो है वो एंटर करेगा, एक्स टू एंटर करेगा, तो क्या करेंगे, एक्स टू का यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। ध्यान से समझ के करना है कि कौन बाहर आ रहा है कौन अंदर जाएगा। ठीक है, एक्स कैप बी की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला है, तो लिखेंगे वन थ्री सिक्स। बी कैप इनवर्स की वैल्यू जो हमारा करंट वैल्यू है, ये वाला वैल्यू बी कैप इनवर्स का, वो यहाँ पे लिख देते हैं, तो वो है वन बाय टू जीरो जीरो माइनस वन बाय टू वन जीरो और थ्री जीरो वन। ओके, एक्स टू कैप की वैल्यू क्या है, एक्स टू कैप की वैल्यू ये वाली है वन बाय टू माइनस टू और ये माइनस वन। ठीक है, और क्या करना है हम लोग को, रेशियो निकालना है, एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स टू करना है। एक्स बी क्या है हमारे पास, वन डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक्स टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं करेंगे। थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई टू, तो यहाँ पे आएगा सिक्स और ये सिक्स, और यहाँ पे इसके लिए भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक ही मिनिमम रेशियो आया, तो ये क्या है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम रेशियो के साथ जो हमारा कॉलम है, सॉरी जो हमारा रो है, एस टू का रो, इससे क्या पता चलेगा, ये एस टू जो है लीव करेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं एस टू लीव्स दी बेसिस। एस टू क्या होगा हमारा, आउटगोइंग वेक्टर, एस टू बाहर जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, की एलिमेंट। की एलिमेंट निकालने के बाद हम लोग बी कैप इनवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो हमारे पास की एलिमेंट क्या है, ये इनकमिंग वेक्टर है एस टू और ये आउटगोइंग वेक्टर है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में, ये एस टू और ये एक्स टू, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा वैल्यू है, वन बाई टू। तो ये वन बाई टू क्या होगा हमारा, की एलिमेंट, वन बाई टू इज की एलिमेंट, जिसको हम लोग लीडिंग एलिमेंट भी बोलते हैं। ओके, अब इसको, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करना है, वन करना है, की एलिमेंट को वन करना है, और साथ ही में जो इसका कॉलम में जो बाकी एलिमेंट्स है उसको जीरो, और इसको भी जीरो करना है। तो वन बाई टू को वन करना है, बाकी दोनों को जीरो जीरो करना है। और हम लोग क्या करेंगे, बी कैप इनवर्स की वैल्यू को अपडेट करेंगे। ओके गाइस, तो मैंने इस पेज को इसे मोड़ लिया है। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग फिर से मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और यहाँ जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी R1 डैश, R2 डैश और R3 डैश। तो हम लोगों को R2 जो है पहले उसको देखना है, क्योंकि R2 की हेल्प से ही बाकी सारा जो हम लोग का रो है वो निकलेगा। तो R2 डैश को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 बाई टू है, 1 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन, यहाँ पे 1 इंटू टू है तो यहाँ पे 2 आएगा और ये 0, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया R2 डैश। इसके बाद क्या है, हम लोग को R1 डैश भी निकालना है। सबसे पहले की वाला जो रो है उसको निकालते हैं, और उसी रो की हेल्प से जो निकल के जो आया है उसी रो की हेल्प से बाकी सारे रो को निकालेंगे।
तो आर वन डैश के लिए क्या कर सकते हैं, आर वन डैश मेरे के यहाँ पे है माइनस वन बाई टू, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग आर वन में ऐड कर देंगे आर टू डैश डिवाइडेड बाई टू, इसका मतलब क्या है आर टू डैश यानी कि ये आर टू डैश में टू से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे ये वन है तो वन बाई टू हो जाएगा, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये माइनस वन बाई टू और यहाँ पे वन बाई टू होगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे क्या आएगा हमारे पास वैल्यू आर वन डैश में, यहाँ पे हो जाएगा जीरो वन देन जीरो। इस तरीके से आर थ्री डैश, आर थ्री डैश के लिए क्या कर सकते हैं आर टू डैश की हेल्प से, आर टू डैश में यहाँ पे क्या है वन और यहाँ पे है माइनस वन, इसका मतलब सिंपली दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग आर थ्री प्लस आर टू डैश, ठीक है आर थ्री में क्या है थ्री, आर टू डैश में क्या है माइनस वन, तो हो जाएगा टू जीरो प्लस टू टू और वन प्लस जीरो वन। ऑल राइट, तो ये निकल करके है हमारा बी कैप इनवर्स। बी कैप इनवर्स के बाद हम लोग क्या क्या करते थे, जब हमारा बी कैप इनवर्स निकलता था उसके बाद क्या करते थे जेड जे माइनस सी जे को फाइंड आउट करते थे। तो इसी तरीके से यहां भी जेड जे माइनस सी जे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सी बी बी इनवर्स वन और ए कैप। हमें पता है सी बी बी इनवर्स मतलब क्या हुआ, सी बी बी इनवर्स मतलब हम क्या होता है लास्ट रो ऑफ बी कैप इनवर्स, बी कैप इनवर्स ये है तो इसका लास्ट रो क्या है टू टू वन टू टू वन, और ए कैप इनवर्स क्या है जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में निकाला था ये वाला वैल्यू, ये है हमारा ए कैप। ओके तो यहाँ पे ए कैप को लिखेंगे इनवर्स नहीं ए कैप, तो टू माइनस वन टू ए कैप मैंने लिख दिया। इसके बाद हम लोग सिंपल जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इस तरीके से, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा जीरो जीरो नाइन टू टू। ओके आप लोग यहाँ पर करके देख लीजिएगा। इसके बाद क्या चेक करते हैं कि जेड जे माइनस सी जे जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है कि नहीं, ऑल जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो। सी यहाँ पे देखिए जेड जे माइनस सी जे का जो केस वन में था, अगर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो है तो द करेंट सोल्यूशन इज ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स कैप बी। ओके तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, अब एक्स कैप बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। तो एक्स कैप बी का मतलब क्या होता है बी कैप इनवर्स इंटू बी। ओके सी यहां पर हम लोग एक बी कैप इनवर्स की वैल्यू को लिखेंगे, क्या है ये वाली करंट वाली जो वैल्यू है वो, तो इसको यहां पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बी से बी कैप से, तो जीरो वन जीरो माइनस वन टू जीरो टू टू वन। ये सेम हमने बी कैप इनवर्स की वैल्यू को यहां लिखा, और बी कैप का वैल्यू क्या था फर्स्ट वाला पेज से देख के लिखेंगे, बी कैप की वैल्यू था हमारे पास टू फोर जीरो, बी कैप की वैल्यू ठीक है, तो टू फोर जीरो मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो होगा फोर सिक्स और ट्वेल्व। ये आया बी कैप बी एक्स कैप बी की वैल्यू। ओके एक्स कैप बी की वैल्यू आई हमारे पास ये, तो ये जो हमारा वैल्यू है ये है हमारा ऑप्टिमल वैल्यू। अब हम लोग इससे ये वाला पेज में देखते हैं, ये टेबल में देखेंगे जो हमारा करेंट टेबल था, इसमें देखिए हमारा क्या हुआ था एक्स टू जो है लीव किया था और एक्स टू एंटर किया था। ओके ये जो वैल्यू लास्ट वाला जो वैल्यू होता है वो जेड का लिए होता है, इसको जेड आप लोग लिखिए नहीं, बस ध्यान में रखना है जेड है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है नहीं लिखा हुआ वो जेड है, तो ध्यान में रखना है कि वो जेड की वैल्यू है। और ये क्या हुआ था एक्स टू जो है सॉरी एस टू जो है बाहर जाएगा, एस टू की जगह पे एक्स टू आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे एक्स वन एक्स टू और जेड। अगर हम लोग नया टेबल अगर बना ले सी अगर मतलब नया टेबल बनाए तो क्या आएगा यहाँ पे नया न्यू टेबल में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले बी की वैल्यू में क्या लिखेंगे एक्स वन, एस टू क्योंकि बाहर गया था और उसकी जगह एक्स टू आया था तो वहां पे लिखेंगे एक्स टू एक्स वन एक्स टू और जेड, तो एक्स वन एक्स टू और जेड, और एक्स कैप बी की वैल्यू में क्या लिखेंगे न्यू टेबल में जो हमारे पास एक्स कैप बी की वैल्यू आई है यानी कि ये वाली वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स वन के लिए है ये वाला वैल्यू एक्स वन के लिए है, एस टू बाहर गया था और एक्स टू आया था तो ये एक्स टू की वैल्यू है और ये वाली जेड की वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे x1 के वैल्यू होगा 4, x2 का वैल्यू 6 और z की वैल्यू 12। ऐसे नहीं करना है कि x कैप b की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से आए तो ये x1 का हो जाएगा x2 का और ये z का, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैसा हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि x
यहाँ पे हम लोग का एक्स वन की जगह एक्स टू एंटर करता, तो यहाँ पे एक्स टू होता, तो उस टाइम उस केस में क्या होता, एक्स टू की वैल्यू फोर होती, फिर एक्स वन की वैल्यू सिक्स होती और जेड की वैल्यू ट्वेल्व। तो यहाँ पे देख के करना है ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन ऊपर है तो ऊपर वाले के लिए फोर, एस टू बाहर जा रहा था और एक्स टू अंदर आ रहा था, तो ये एक्स टू के लिए सिक्स और जेड के लिए ट्वेल्व। तो ध्यान से करना है इसको ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक्स वन फोर, एक्स टू सिक्स, एक्स थ्री के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं देखा था, तो एक्स थ्री हो जाएगा जीरो और जेड इक्वल्स टू ट्वेल्व। तो ये होगा हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑलराइट गाइस, अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।